तो आज के लेसन में हम बात करेंगे दिल को तुमसे प्यार हुआ की ही कॉर्ड्स के नए शेप्स के बारे में, जो मेरी सीरीज का पार्ट टू है। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो आप मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो हमको जैसे पता है ऑलरेडी एट दिस पॉइंट गाने की कॉर्ड्स हैं ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, सी मेजर, ई मेजर। तो इन्हीं में हम सारे सेवेंथ कॉर्ड यूज कर रहे हैं, तो ए माइनर 7, डी माइनर 7, जी 7, सी मेजर 7, एफ मेजर 7 और ई 7। तो आज की जो वॉइसिंग्स है वो ड्रॉप टू वॉइसिंग्स है, और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग, मतलब फर्स्ट वो स्ट्रिंग्स पे ही है, उसके अलावा फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग नहीं यूज होगी। तो आज भी इन वर्जन्स देखेंगे हम और जो नियरेस्ट शेप्स हैं उनको प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो शेप्स आएंगे वो हो गई ये, तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। यहां पर देखते सबसे पहली वॉइसिंग है ए माइनर 7 की, जो कि है फ्लैट 7, फ्लैट 3, 5 और 1। ये हमने जैसे बताया था कॉर्ड टोन्स जो है फ्लैट 7, फ्लैट 3, 5, 1। नेक्स्ट कॉर्ड डी माइनर, यहां पे माइनर थर्ड, फ्लैट 3, फ्लैट 7, रूट और परफेक्ट फिफ्थ। नेक्स्ट कॉर्ड हमारी है जी 7, यहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है ये फ्लैट 7, मेजर थर्ड, 5 और 1। नेक्स्ट हमारी आती है सी मेजर, सी मेजर 7 के लिए हम ये यूज करेंगे, यहां पे अरेंजमेंट्स ऑफ नोट है 3 7 1 5, 3 7 1 5। और फाइनली ई 7 के लिए, एफ मेजर 7 के लिए जो शेप होगा वो होगा ये, जहां पे अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है 1 5 मेजर 7 मेजर थर्ड। और फाइनली ई 7 के लिए जो कि शेप हम यूज कर रहे हैं ये, जिसमें है 1 5 फ्लैट 7 और मेजर थर्ड। तो ए माइनर 7, या फिर हम अगर जैसे एनालिसिस के हिसाब से करें तो 6 6 2 5 1 4 और ई 7 हमारी 6 हो जाएगी। मैंने अभी सीक्वेंस पे नहीं बजाया, मैंने सिर्फ कॉर्ड आपको बताई है। नेक्स्ट शेप्स पे चलते हैं जो नेक्स्ट हमारे इस सीरीज में आएंगे। फर्स्ट शेप ए माइनर 7 का होगा ये, पहले मैं प्ले करके दिखा देता हूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। यहां पर जो शेप्स हैं वो है ए माइनर 7 के लिए ये, यहां पर जो कॉर्ड टोन्स हैं 1 5 फ्लैट 7 फ्लैट 3। इसको आप नोट डाउन करते जाइए, जितनी भी शेप्स हैं उनके नंबर्स स्ट्रिंग्स के अगेंस्ट जो फ्रेट्स हैं और प्लस जो कॉर्ड टोन आप यूज कर रहे हैं वो। तो 1 5 फ्लैट 7 फ्लैट 3 ए माइनर 7 के लिए, डी माइनर 7 के लिए ये वाला शेप, यहां पे जो कॉर्ड टोन्स हैं वो है 5 1 फ्लैट 3 फ्लैट 7। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शेप जी 7 का है, जो कि है ये, हमने ई 7 के लिए यहां पे यूज किया था। ऑब्वियसली सारे शेप्स अभी जितने हमने फर्स्ट एग्जांपल में यूज करे उन्हीं में से कोई ना कोई एक शेप होगा। यहां पे कॉर्ड टोन्स है 1 5 फ्लैट 7 मेजर थर्ड, 1 5 फ्लैट 7 3। सी मेजर 7 के लिए यूज करा है ये शेप, जिसमें जो अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है वो है 5 1 3 और मेजर 7। एफ मेजर 7 के लिए जो शेप यूज करा है वो है ये, जिसमें नोट्स है 3 7 1 5। और फाइनली ई 7 के लिए जो शेप यूज करा है वो है ये, इसमें जो कॉर्ड टोन्स हैं वो है 3 फ्लैट 7 1 5, 3 फ्लैट 7 1 5। तो 6 2 5 1 और 4 और फाइनली जो 3 मेजर है हमारी सेवन। नेक्स्ट शेप्स पे चलते हैं जो हमारे शेप्स का सीक्वेंस होगा। यहां पे ए माइनर 7 ये वाला शेप हम पकड़ेंगे और पहले मैं बजा के दिखा देता हूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ।
यहां पर अरेंजमेंट ऑफ सबसे पहले शेप्स और अरेंजमेंट ऑफ नोट्स देख लेते हैं। तो यहां पे है, ये वही शेप है जो मैंने डी माइनर सेवन के लिए यहां पे यूज करा था, वो यहां पे शिफ्ट हो गया ए माइनर सेवन के लिए। और इस पे अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है 3 फ्लैट 7 1 और 5। नेक्स्ट कॉर्ड है डी माइनर सेवन, उसमें हमने वही शेप यूज करा है जो हमने ए माइनर सेवन के लिए 5th फ्रेट पे यूज करा था, वो शेप अब आके यहाँ पे 10th फ्रेट पे हो गया है। और यहाँ पे जो कॉर्ड टोन्स हैं वो है फ्लैट 7 फ्लैट 3 5 और 1। नेक्स्ट हमारा शेप है वो है जी सेवन के लिए, और जो कि है ये, और वो सेम शेप है जो हमने ई सेवन के लिए यहां पे यूज करा था, वो यहां पे आ गया है जी सेवन के लिए। यहां पे जो कॉर्ड टोन्स हैं वो हैं मेजर थर्ड फ्लैट सेवन फर्स्ट और फिफ्थ। नेक्स्ट एफ मेजर सी मेजर सेवन के लिए ये वाला शेप यूज करा है जो कि है सी मेजर सेवन, जहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है वो है मेजर सेवन मेजर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ और रूट। जो शेप हमने एफ मेजर सेवन के लिए यूज करा है वो है ये, जिसमें है नोट्स 5 1 मेजर थर्ड और मेजर 7 5 1 3 मेजर 7। और जो ई सेवन के लिए यूज करा है वो है सेम जो कि है 5 1 3 फ्लैट 7। तो है 6 2 5 1 4 के लिए 4 और 3 मेजर, यही सारी कॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट इन्वर्जन हमारे पास फ्रेटबोर्ड पे मिलेंगे वो यहां पे शुरू होंगे ए माइनर सेवन, मैं बजा के दिखा देता हूं आपको। दिल को तुमसे प्यार हुआ पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, थोड़ा मेरा हाथ फंस रहा है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं है, बट नेवर्थलेस मैं बताता हूं आपको कि क्या क्या इसमें यूज हो रहे हैं। ए माइनर सेवन के लिए ये शेप यूज हो रहा है जो हमने डी माइनर सेवन के लिए यहां पे यूज करा था, यहां पर अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है 5 1 फ्लैट 3 फ्लैट 7 5 1 फ्लैट 3 फ्लैट 7। नेक्स्ट शेप है डी माइनर सेवन के लिए जो कि हमने ये यूज करा है, तो यही शेप हमने ए माइनर सेवन के लिए यहां यूज करा था, और डी माइनर सेवन के लिए वो ये हो जाता है यहां पे 12th फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, और यहां पे कॉर्ड टोन्स है 1 5 फ्लैट 7 फ्लैट 3। नेक्स्ट शेप जो होगा वो होगा जी सेवन का, जी सेवन के लिए हम ये शेप यूज कर रहे हैं, ये वही शेप है जो हमने ई सेवन के लिए यहां पे यूज करा था, अब वो यहां पे शिफ्ट हो गया है, यहां पर भी अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है 5 1 3 फ्लैट 7। नेक्स्ट शेप जो होगा वो सी मेजर सेवन का होगा, सी मेजर सेवन के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ये हमने अभी एफ मेजर सेवन के लिए यहां पे यूज करा था, सी मेजर सेवन के लिए यहां पे जो अरेंजमेंट ऑफ नोट्स है वो है 1 5 मेजर 7 मेजर 3rd 1 5 मेजर 7 मेजर 3rd। एफ मेजर सेवन के लिए हमने यूज करा ये शेप जो कि है हमने यहां पे सी मेजर सेवन के लिए यूज करा था, वो यहां पे आके अब एफ मेजर सेवन के लिए यूज हो रहा है, और यहां पे जो कॉर्ड टोन्स है वो है मेजर सेवन मेजर थर्ड परफेक्ट फिफ्थ। नेक्स्ट शेप पे जाते हैं जो कि है आई थिंक हाँ ई सेवन के लिए, ई सेवन के लिए हमने यहां पे ये वाला शेप यूज करा है जो कि है फ्लैट 7 मेजर 3rd परफेक्ट 5th और रूट। लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं 6 2 5 1 और फिर 4 और फिर ये 7। तो ये मैंने अभी गाने के कॉर्ड्स के ऑर्डर में नहीं बजाया, बट मैं चाहता हूं कि इस जरिए से आप ये सारे शेप को जान सके। बहुत जरूरी है हर शेप में ये पता होना कि आपका कॉर्ड टोन्स कौन सी स्ट्रिंग पे कौन सा प्ले हो रहा है, इससे इजी हो जाता है नेविगेशन फ्रेटबोर्ड का, और इन शेप्स से ही आपकी सोलोइंग इम्प्रोवाइजेशन में भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि अगर कॉर्ड चेंज हो रही है तो मैं नियरेस्ट कौन से शेप पे जा सकता हूं। जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में बजाएं, अगर आप चाहें स्प्लिट करना तो जैसे ए माइनर सेवन जितने ड्यूरेशन के लिए लास्ट कर रही है उसमें आप 2 शेप्स ले सकते हैं, प्रॉबेबली ये तुमसे प्यार हुआ
मिला, अभी G7 के लिए मैंने चेंज कर दिया। और हर बार जब डी जब ए माइनर 7 था तो मैंने दो शेप्स लिए, इन्वर्जन लिए ए माइनर 7 के, फिर डी माइनर 7 के लिए भी मैंने दो शेप्स लिए, तुमसे प्यार हुआ, और फिर यहां पर भी मैं दो शेप कर सकता हूँ, हुआ पहली बार हुआ तुमसे, आई थिंक तुमसे प्यार हुआ। ये E7 के लिए मैंने तीन शेप्स ले लिए। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच करके अरेंज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से गाने को बजा सकते हैं। जो गाना हम कितने सालों से बजा रहे हैं अब वो हमारे लिए कितना ज्यादा और इंटरेस्टिंग हो गया है और हारमोनिकली रिच हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।